नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर का रिजल्ट 15 मई तक। झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी कि झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों की बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ गई है। छात्र अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, पिछले साल भी रिजल्ट जून के माह में प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन इस बार झारखंड बोर्ड 2023 मई के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित करने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी तक झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी कि रांची की ओर से अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक वेबसाइट पर समय और तिथि की घोषणा नहीं की गई है। बता दें, रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करने वाले छात्र अपना रिजल्ट झारखंड एकेडमी काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकेंगे। परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले बोर्ड परिषद तारीख और समय की पुष्टि करेगी। पलामू की एक महिला ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। पलामू जिले की एक महिला ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखा है। वह पत्र मुखिया, विधायक, प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मंत्री का सचिव से खुद स्वास्थ्य मंत्री से होता हुआ पलामू के सिविल सर्जन तक पहुंचा है। इसके बाद से सिविल सर्जन परेशान है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर पत्र लिखने वाली महिला निर्मला कुमारी पलामू की है। उनका पता हुसैनाबाद प्रखंड के कजरात नवाडी पंचायत का लोटनिया गांव का है। पति का नाम मनोज पाल है। निर्मला देवी ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र के माध्यम से आवेदन देकर मांग की है। उनका कहना है कि वे पाल गणेरी पिछली जाति से आती हैं और शिक्षित भी हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, जिस कारण उन्हें अपना परिवार के भरण पोषण में दिक्कत हो रही है। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से दरख्वास्त की है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग में उनके योग्यता के अनुसार कोई पद पर नियुक्ति दी जाए। 15 लाख का इनामी नक्सली इंदल गांझू ने किया सरेंडर। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर और 15 लाख का इनामी नक्सली इंदल गांझू को रांची जोनल IG कार्यालय में पुलिस और CRPF के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति को समर्थन करते हैं। 20 साल से इस संगठन से जुड़ा था। मेरा गाँव में जमीन विवाद था, इसी विवाद के दौरान वह नक्सली संगठन का हिस्सा बना। दरअसल झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 15 लाख के इनामी नक्सली ने गुरुवार IG आवास में आत्मसमर्पण किया है। बता दें, आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली इंदल गांझू माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर है। रांची में 5 मई से लगेगा बंगला संस्कृति मेला। कोरोना काल के बाद एक बार फिर राजधानी में बंगला गीत संगीत और बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। बता दें, बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बंगला संस्कृति मेला का आयोजन रांची कॉलेज मैदान में हो रहा है। यह आयोजन 5, 6 और 7 मई को होगा। बंगाली युवा मंच के मुख्य संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया है कि 5 मई को राज्यपाल CP राधाकृष्णन मेला का विधिवत उद्घाटन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 6 मई को मुख्य अतिथि के रूप में मेले का भ्रमण करेंगे। वहीं मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग लेंगे। बंगाली युवा मंच के मुख्य संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि 3 दिवसीय बंगला संस्कृति मेला के पहले दिन की पहली प्रस्तुति कोलकाता के विश्वव्यापी प्रतिष्ठित नृत्य गोष्ठी डांसर गिल्ड के रंगारंग उत्सव से होगा। झारखंड के बच्चे अब करेंगे खेल खेल में पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए दिल्ली की तर्ज पर हर्ष जोहार पाठ्यक्रम शुरू किया है। बता दें, हर्ष जोहार के जरिए बच्चों को न केवल नैतिक शिक्षा बल्कि तनाव मुक्त वातावरण में कैसे पढ़ाई करें इसके तरीके भी बताए जाएंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत उत्कृष्ट विद्यालय से हो रही है, जहां बच्चों के लिए प्रतिदिन 45 मिनट की 1 घंटी होगी। हालांकि इसे हर विषय की पढ़ाई के साथ बीच में 10 मिनट हर्ष जोहार के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त किया जा सकता है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसे बच्चों को पढ़ाई के प्रति एकाग्रता लाने में सहायता होने की बात कही है, जिससे बच्चे पढ़ाई को बोझ समझने के बजाय खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करने में सफल होंगे। दूसरी बार ED ऑफिस पहुंचे IAS छवि रंजन। IAS अधिकारी और रांची के पूर्व DC छवि रंजन दूसरी बार ED के सवालों का सामना करने के लिए एजेंसी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। छवि रंजन से आज होने वाली पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीन घोटाला में छवि की भूमिका को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा आरोपितों से ED पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के बाद ही छवि को दोबारा समन जारी कर बुलाया गया है। बता दें, गुरुवार को IAS अधिकारी छवि रंजन ED के द्वारा तय समय से पहले ही एजेंसी के दफ्तर पहुंच गए। अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही छवि रंजन से पूछताछ शुरू कर दी गई। ED सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
अफसर अली, रजिस्ट्रार वैभव, मनी त्रिपाठी सहित अन्य जमीन माफियाओं ने पूछताछ के दौरान हर मामले में छवि रंजन का नाम लिया है। झारखंड के 5 उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन शुरू। राज्य के 80 समेत रांची जिले के 5 उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची में TVS उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ जिला स्कूल, राजकीय बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय बरियातू, मॉडल स्कूल कांके व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नामकुन में CBSE पाठ्यक्रम के आधार पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। इन विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में नामांकन के लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों की लिखित परीक्षा स्कूल स्तर पर ली जाएगी। परीक्षा फल के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी DSE कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन के लिए फॉर्म भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी में सरकारी पशु चिकित्सक। झारखंड में पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले राज्य भर के 498 पशु चिकित्सक राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं। जल्द ही पशु चिकित्सक राज्य के कृषि एवं पशुपालन सचिव अबू बकर सिद्दीकी को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। सरकारी पशु चिकित्सकों का आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद झारखंड में पशु चिकित्सकों के साथ भेदभाव किया जाता है। पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समान DACP नहीं मिल रहा। वहीं राज्य में अंग्रेजी और आयुष पद्धतियों के डॉक्टरों के रिटायरमेंट का उम्र 65 वर्ष कर दी गई है, लेकिन पशु चिकित्सा अभी भी 60 वर्ष में रिटायर होते हैं। झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सेमसन संजय टोपनो ने कहा है कि जल्द ही संघ पशुपालन सचिव को अपनी मांगों से अवगत कराएगा। रिम्स में हड़ताल के कारण मरीजों की मौत का मामला। झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स के डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण 28 लोगों की मौत मामले की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर राज्य सरकार की ओर से जांच कमेटी का प्रस्ताव जल्द नहीं भेजा जाए तो अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार के खिलाफ कड़ा आदेश पारित करेगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधान जिला जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कमेटी का प्रस्ताव हाई कोर्ट को नहीं भेजा गया जिससे जिला जज के नाम की सहमति दी जा सके। यौन उत्पीड़न के आरोपी ने CM हेमंत को बनाया अपना गवाह। नेशनल शूटर तारा सहदेव के यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़न, जबरन धर्म परिवर्तन मामले के आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली ने अपने बचाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह बनाया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को गवाही देने के लिए समन जारी किया है। आरोपी रकीबुल हसन ने CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में 2 गवाहों की सूची सौंपी है। इसमें एक नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को गवाही देने के लिए समन जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। मोदी सरनेम मामले में राहुल को रांची कोर्ट में पेश होने का आदेश। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रांची सिविल कोर्ट ने उनकी अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें MP MLA मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने राहुल गांधी को 22 मई को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले में 24 अप्रैल को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने बुधवार को उनकी याचिका को खारिज करते हुए सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। आंगनवाड़ी सेविका हत्या मामले में पति पर केस दर्ज। बांझी चटकी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका मालोती सोरेन की हत्या मामले में उनकी माँ के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतिका की माँ संजली टुडू ने दामाद चटकी निवासी तल्लू किस्कू पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने पुलिस को बताया है कि 2007 में उसने तल्लू किस्कू से अपनी बेटी मालोती सोरेन की शादी संताली रीति रिवाज से की थी। करीब 15-16 साल तक दोनों का दंपत्य जीवन ठीक ठाक रहा। दोनों के 2 लड़के और 1 लड़की हैं। बेटी मालोती सोरेन चटकी में आंगनबाड़ी सेविका थी। संजली टुडू ने आरोप लगाया है कि पिछले 1.5 साल से तल्लू किस्कू बाइक खरीदने के लिए मालोती के साथ मारपीट करता था। इसके बाद मालोती ने एक बाइक भी खरीद कर दी। इसके बाद भी मारपीट जारी रही।
निजी वाहन में नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी तथा निजी वाहनों में बिना अधिकार के नेम प्लेट व बोर्ड लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना, शपथ पत्र का अवलोकन किया। खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब पर संतोष प्रकट करते हुए कहा है कि बिना अधिकार के सरकारी या निजी वाहन में नेम प्लेट लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। रामगढ़ में पिकअप वैन की चपेट में आने से दो की मौत। रामगढ़ में पिकअप वैन की चपेट में आने से दो युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम हराध्य राय और सुरेश राय है। घटना बुधवार देर रात रामगढ़ हंसडीहा मुख्य मार्ग की है। बताया जाता है कि मृतक हराध्य राय एवं सुरेश राय रिश्ते में साला बनोई लगते थे। धन्यवाद।